लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन। लोकसभा चुनावों के समाप्त होने के कुछ दिनों के बाद ही भाजपा नेता रमेश कुमार बबला की थोक सब्जी मंडी में बने फड़ पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद रमेश कुमार बबला को इंसाफ दिलवाने के लिए अकाली भाजपा द्वारा बड़े स्तर पर संघर्ष को तेज करते हुए धरने प्रदर्शन व यहां के SDM को मिलकर एक मांग पत्र भी दिया गया था, जिस पर राजपुरा के SDM श्री रजनीश अरोड़ा द्वारा संबंधित विभाग को इस मामले की जांच कर रमेश कुमार बबला को दोपहर 3 बजे तक इंसाफ देने की बात की गई थी, मगर आज उस बात को लगभग 3 दिन बीत जाने के बाद रमेश कुमार बबला को इंसाफ दिलवाने के लिए यहां के बहालपुरी भवन में अकाली भाजपा नेता समाज सेवी लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जथेदार सुरजीत सिंह गढ़ी, प्रवीण छाबड़ा, हरदेव सिंह कंडेवाला, रणजीत सिंह राणा, तरुण खुराना, श्याम सुंदर वधवा, अशोक चक्रवर्ती, लाजवंती, एडवोकेट संजय बग्गा, एडवोकेट किशन सिंह, रजिंदर निरंकारी, अरविंदर सिंह कंग, महेंद्र बब्बर, नरेश धीमान, पार्षद विपिन लूथरा, पार्षद शांति सपरा, बलविंदर सिंह नेपरा, पार्षद रिंकू सराव, पार्षद गुरदर्शन सिंह उगानी, पार्षद जगीर सिंह, डॉक्टर हरविंदर सिंह, हरिंदर सिंह वालिया, लाडी टीरसा, जसपाल शंकरपुर, अमरीक जनसुई, मिंटू जनसुई, नितिन खुराना ने रमेश कुमार बबला को इंसाफ दिलवाने के लिए संघर्ष को और तेज करने के लिए अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर कई अहम और कड़े फैसले लेते हुए बैठक की प्रधानगी कर रहे SGPC सदस्य जथेदार सुरजीत सिंह गढ़ी ने न्यूज 89 से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज बड़े दुख नाल कहना पै रहा है कि सरकार की शह ते जो बबला जी का फड़ ते नजायज कब्जा करवाया गया है, उस दे संबंध विच श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी के सारे आगू रमेश बबला जी दे नाल 5 तरीक नू वीरवार SDM साहब नू मिले सी और उन्होंने बड़ा भरोसा दवाया सी विश्वास दे नाल कि अज 3 बजे मार्केट कमेटी के अफसर बुला के उन्होंने उस समय कह दिता सी कि 3 बजे अज फैसला करके तो बबला जी का जो फड़ है इन्हों वापस दवाना है, पर बड़े अफसोस की गल है कि 3 बजे कहण की बजाय अज 3 दिन तो भी ज़्यादा दिन हो चुके ने कि उन्होंने सानू कोई विश्वास नहीं दवाया, दोबारा कोई गल नहीं साढ़े नाल कीती कि तुहाडा जो मसला हल कर रहे हैं, सगों उन्होंने जदों गल की कि उन्होंने अगे तरीक पा के सोमवार का समा दिता है, तो अज समुचे श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के सारे आगू साहबान इतने बावलपुरी भवन के मीटिंग की है, जिस दे विच बहुत सख्त फैसले किए हैं कि असी फिर प्रशासन नाल टकराव नहीं चाहते, असी सोमवार उन्होंने मंगया से असी सोमवार का दिन उन्होंने फिर दे रहे हैं, जे उन्होंने कल इस मसले का हल ना किया ता अगला जो प्रोग्राम है बुधवार असी बहुत वड्डा धरना SDM दे दफ्तर देके उन्हां दा आना जाना सी पहला बंद करना है और उस तो बाद अगला फैसला करके चाहे सानू ट्रैफिक जाम करनी पई जां बाजार बंद करवाना पिया असी उह सारा कुछ करांगे, और मैं इत्थों दे MLA नूं तुहाडे चैनल राहीं दसना चाहुंदा कि पिछे जो धक्के होए उस दा खमियाजा भुग चुके ने, अज फिर समुचे शहर के दोबारा चर्चा चली हुई है इस गल की कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी इस हरदयाल सिंह MLA ने कोई सबक नहीं सीखा और फिर जबरदस्ती प्रशासन को कह के धक्के करवा रहा है, जिस दी मिसाल है कि उस दिन सारी सीनियर लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की श्रोमणी अकाली दल की बैठी सी जदों SDM राजपुरा ने मार्केट कमेटी के संबंधित किते अफसर नूं पुछया कि की गल तुसी बबले दा जो फड़ है वह तुसी दब लिया, तो उस गल नूं सच्चाई नूं लुको नहीं सकिया, कहन लगा जी सैकटरी साहब नूं MLA साहब दा फोन आया सी, उस तो बाद ये गलबात जो है होई है, इसलिए जो MLA ने पहला एक दिन फेसबुक ते अपनी एक उन्होंने पाई सी कि मैं उस दे विच मैनू पता नहीं मैं बाहर सी मैनू इस बारे कोई जानकारी नहीं मैनू अज पता लग्या
जिस दी पोल उस मार्केट कमेटी के अफसर ने खोल दी है, सारे लोगों के सामने आ गई है, मीडिया को सारी रिकॉर्डिंग है। और मैं प्रशासन को यह बेनती करना चाहना कि वह राजपुरे का माहौल ना खराब करन। असी SDM साहब ने जिस तरह सानू विश्वास दवाया सी, हुण इस तरह लग रहा जिवें साडे नाल धोखा कीता सी। असी उस दिन SDM साहब का धन्यवाद भी किया जिस तरह उन्होंने विश्वास दवाया सी कि 3 बजे तुहाडा मसला जो है वह हल हो जाएगा। साडे सामने सारा कुछ उन्होंने कह दिता सी, पर बाद च पता नहीं कि क्यों नहीं हो सकिया। हुण असी उन्होंने बेनती करना चाहते हाँ कि कल उन्होंने सोमवार का समा लिया और कल साडा यह मसला जो है वह हल होना चाहिए। जे ना होया शहर का माहौल खराब होया, कोई होर घटना वापरी, उस लई सीधे तौर पर प्रशासन ते MLA जिम्मेवार ने। वकील साहबान संजय बग्गा जी ते सरदार किशन सिंह जी, दो जो साडे भारतीय जनता पार्टी के आगू ने, इस मीटिंग विच फैसला होया कि श्रोमणी अकाली दल दे होर वकील नाल लैके 5 वकीलों का पैनल बना के किसी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नाल, श्रोमणी अकाली दल नाल, किसी पत्रकार नाल, किसी होर दबे कुचे वर्कर नाल, किसी नाल भी कोई धक्का हुंदा है चाहे वह हाई कोर्ट तक जाना पवे, इत्थे लोकल कोर्ट के विच कोई केस लड़ना पवे, ये साडे 5 वकीलों का जो पैनल है वह सारे फ्री केस जो है वह लड़नगे। मैं उन्हां दी इस गल्लों शलाघा करदा कि उन्होंने बड़ा वधिया श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्करां नूं भरोसा दवाया कि असी वकीलों वालों भी पार्टी के नाल खड़ के किसी नाल भी धक्का होगा कोर्ट के विच जो कोई कार्रवाई करनी पैंदी है वह असी करांगे। मैं उन्हां दा भी तहे दिलों धन्यवाद करना चाहुंदा। राजपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, News 89। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें News 89 और प्रेस करें बेल आइकन।